खान साहब जो बात अपनी कह रहे थे, और जब उन्होंने अपनी शेर की दो लाइनें कही तो पीठ से ये कहा गया कि मुझे देख के कहा जाए। मैं समझता हूं उन शब्दों में, भावना में या जो बातें कही गई हैं, कहीं ऐसी नहीं है जहां पर पीठ को कहीं भी उंगली उठाने का मन हो। अब ये देखिए बादशाह, ये अध्यक्ष जी, एक मिनट अखिलेश जी, अध्यक्ष जी, अखिलेश जी शेम कहते हैं, अखिलेश जी इससे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता। अखिलेश जी एक मिनट, अखिलेश जी एक मिनट, इनसे ज्यादा नहीं हो सकता कोई। क्या भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो अध्यक्ष महोदय? ये भाषा नहीं हो सकती है। अगर ये बदतमीज कह रहे हैं तो पीठ का अपमान कर रहे हैं। हाँ माननीय सदस्य, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, और अगर इधर से पूरे मिलकर के ये बदतमीज कहेंगे क्या? नो, बदतमीज नहीं बोल सकते। नो, कैसे कह सकते हैं ये? कैसे कह सकते हैं ये? मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, ये इतने तमीज की वाले लोग हैं क्या? मान्य अखिलेश जी, मान्य अखिलेश जी बैठे। अरे माननीय व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य भी हैं और एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन रहे थे, लेकिन लेकिन आपने जो शब्द बोला है, माननीय सदस्य प्लीज, जो शब्द बोला है वह शब्द असंसदीय भी है और इस संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल भी नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य, पहले तो उस शब्द, माननीय सदस्य उस जो शब्द बोला उसके लिए आप माफी मांगे। माननीय से नो, गलत, माननीय सदस्य या तो आप बोल लें, जब मैं एक बार व्यवस्था दे रहा हूं तो भी व्यवस्था देने दीजिए ना आप। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं, जब मैं अखिलेश जी को बोला है तो अखिलेश जी को बोलने दो, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। मैं सदन में जब चर्चा कर रहा हूं तो माननीय सदस्य जिसको बोल रहा हूं उससे ये अपेक्षा करता हूं सदन में उसकी पूरी बात सुनने दी जाए। जो सदन में कोई बात आए, वाद विवाद होना चाहिए, बोले आप बोले दोबारा। महोदय मैं अपनी बात कह रहा था जो मैंने सुना और देखा, क्योंकि आपने निर्देश दिया इसलिए मैं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय इनके भाषा में, इनकी भावना में कहीं गलत नहीं था। अगर अनपार्लियामेंट रहा था आप रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। अब एक बात माननीय सदस्य, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट। माननीय सदस्य, बदतमीजी शब्द उचित है क्या सदन में? मैं कह रहा हूं माननीय सदस्य, मैडम मैंने सबको बोलने का मौका, माननीय सदस्य, अगर माननीय सदस्य, माननीय सदस्य इधर के लोगों ने जी ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। माननीय सदस्य ऐसा कोई भी शब्द इधर से बोला हो, कोई माननीय मंत्री जी ने बोला होगा, तो भी मैं उसी भाषा में बात करूंगा जिससे आपसे कह रहा हूं मैं। अलग अलग मेरी आंखें नजर नहीं आ रही आपको, मेरी आंखों में आपको अंतर नजर आ तो बताए। मैं कभी कोई वरिष्ठ मंत्री भी अगर ये भाषा बोलता है, बैठे बैठे माननीय सदस्य ने बोला, माननीय सदस्य के लिए मैंने तुरंत कहा कि इस शब्दों का उपयोग करना इस सदन में उचित नहीं है, और इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन सारा देश देखता है और इस सदन के अंदर मेरा आपसे आग्रह है, मैं सदन सुबह 9:30 बजे आता हूं, सदन जब तक स्थगित होता है उसके आधे घंटे तक यहां रुकता हूं, कुछ व्यवस्थाओं के कारण मैं सदन छोड़कर जाता हूं, इसके लिए भी मैं माफी चाहता हूं कि कोशिश करूंगा अधिकतम समय में सदन में बैठूं, लेकिन एक व्यवस्था है सभापति पैनल की, इसके कारण मैं सदन छोड़ के जाता हूं। मैं माननीय सदस्य, आप बड़े दिल के व्यक्ति हैं, आपने कहा और माननीय सदस्य ने भी अगर कोई ऐसा बोला होगा, आपको अगर कोई नाम बोल दे कि इसने ऐसा बोला तो वो भी पहले खेद व्यक्त कर लेगा। नाम बता दो आप, इसमें से किसी ने बोला है? नहीं आप नाम बता दो, मैं कहूंगा वो खेद व्यक्त करेंगे। बोलो आप बताओ किसने बोला ऐसा, कोई बोल जाओ तो। आप माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य आपकी प्रॉब्लम है क्या कुछ बैठे बोलने की? संख्या में बड़ी हो सकते हैं लेकिन सदन सबकी सहमति से चलता है माननीय सदस्य, इसलिए बैठे बैठे कोई टिप्पणी नहीं करें।
माननीय सदस्य आजम खान जी, माननीय सदस्य सभी लोगों के, नहीं नहीं प्लीज को नहीं, अगर सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये उलाए तो आप अपनी तरफ से विचार रख दें कि आपका ऐसा वक्त नहीं था, जो भी आपको रखना है आप खड़े होकर बोल। मान्यवर मैंने तो कहा मेरी बहन हो आप, बहुत प्यारी बहन हो, बहुत प्यारी बहन हो, बार बार कह रहे हैं बहुत प्यारी बहन। आप सदन में बोल रहे कि ऐसा कोई शब्द बोला तो मैं सदन में माफी चाहता हूँ, बड़ी नहीं होती। बहुत लंबी राजनीतिक जिंदगी रही है, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूँ जिससे किसी का मन दुखे। और पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से, कोई अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। ठीक है, माननीय सदस्य शुरू करें। माननीय अध्यक्ष जी, सब निकाल, मैं बोले माननीय सदस्य। नहीं यार, ऐसे अपमानित होकर बोलने से कोई फायदा नहीं। नहीं जी, कोई फायदा बोलो आप नहीं। मान्यवर ऐसे अपमानित होकर बोलने से क्या हासिल है? ठीक है, श्रीमती किरण खेर। श्रीमती किरण खेर, अब इस विषय पर